कोई भी तो कम से कम कोई पूछ रहा है कम से कम कि गरीब किस हालत से कमा रहा है, कई जन खरीदते हैं तो इस टाइप का खोल के दिखाते हैं। 1500 का आपने पूरा ये श्रृंगार का बना लिया, पेटी कितने का बनवाया? वो ये खुद बनाया है, ये ऐसे गली, गली गली घूमते हैं ऐसे टांग के। अच्छा, लाते हुए 10 रुपया ले दीदी या ऐसे करके। अरे बाप रे, क्योंकि इस प्रकार का अगर पकड़ के घूमेंगे ना, आधा घंटा अगर आप पकड़ के घूमोगे तो आप ही का कंधा दर्द करने लगेगा। बाप रे, मैं तो लग रहा 15 मिनट ही नहीं लटका पाऊंगा यार। कंधा वंधा दर्द नहीं करता इतना उठा के? शुरू में बहुत करता था, जब शुरू में धंधा पकड़े थे ना, तो इनको छोड़ के ना अभी करेंगे ना तो 6-7 हजार का माल है। 6-7 हजार का माल है इतने समय? अभी क्या उम्र है अभी आपकी? 25 साल। अच्छा, शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है। मतलब पूरा मोहल्ला घूमोगे? हाँ, ये पैदल, पूरा पैदल? पैदल। बाप रे, लगभग 4-5 बजे तक। आपको ना मैं एक सम्मान देना चाहूंगा नेवर गिव अप इंडिया और दर्शकों की तरफ से, एक रिस्पेक्ट है ना, और मैं एक क्लैप करना चाहूँगा। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह नेवर गिव अप इंडिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे पूरे वीडियोस देखते होंगे गाइस, मैं डेली वीडियो लाता हूँ आप लोग के लिए, दोपहर 1 बजे, रात को 9 बजे, आप देख के मोटिवेट होते होंगे। सो गाइस, मेरे साथ है मिस्टर अनिकेत वीके, जो कि देख सकते हैं ऐसे मनिहारी का वो बेचते हैं घर घर जाके और कॉलोनी में जाके, देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस टाइप से, और इस टाइप से ये बिजनेस करते हैं और ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। देखते हैं इनसे, पूछते हैं कब से कर रहे हैं और पूरी जानकारी लेंगे। ऐसे ही आप मेरा वीडियो देखा कीजिए, आपको मैं ऐसे ही अनोखे बिजनेस के बारे बताते रहता हूँ। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और कम पैसे में भी आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो अपने लाइफ में। बस आप कभी हार मत मानो दोस्तों। देख रहे हो इतना कड़ा धूप में, और ये ऐसे टांग के घूमते हैं इसको। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अनिकेत भाई, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। हाँ, तो ये क्या है ये बिजनेस? ये क्या मनिहारी का मतलब श्रृंगार का बिजनेस है? हाँ, श्रृंगार, जैसे कान वगैरह छेदना है। हाँ हाँ, बच्चों लोग का कान वगैरह छेदते हैं, बुजुर्ग लोग का। हाँ हाँ, मंगलसूत्र लेडीज लोग लेते हैं, कान उनका लेते हैं। हाँ हाँ, ककवा कंघी वगैरह, क्रीम वगैरह इस टाइप में। अच्छा, तो इसको कैसे टांग दिखाओ, तो कैसे टांगते हो आप इसको? ऐसे करके टांगते हैं, फिर टांग ना ये ऐसे गली, टांग। गली गली घूमते हैं ऐसे टांग के। अच्छा, लाते हुए। तो ये वाला बिजनेस आप कब से कर रहे हो? ये तो हमारे मतलब पिताजी कर रहे थे। हाँ, तो हम पहले क्वालिटी काम भी करते थे ना। हाँ, तो मतलब उसमें पोसाता नहीं था। हाँ, तो उसके हिसाब से हमें जैसे अपना धंधा खोलना था ना। हाँ, खुद आओ, खुद कमाओ, खुद खाओ। हाँ, तो उस हिसाब से हम ये वाला चालू किए। तो इसमें मतलब रोजी पानी निकल जाता है, उस हिसाब से हम खुश हैं। तो ये बताओ, कितना पैसे से आप चालू किए थे इसको? कितना पैसा लगा के चालू किए थे इस बिजनेस को? ये मतलब 1500 रुपया से गोल बाजार में सामान खरीद लिया। हाँ, गोल बाजार से आप खरीद लिए? हाँ, 1500 रुपये का जाओगे ना। हाँ, पेटी में सामान भर के। अच्छा, पूरा पेटी में आ जाता है? हाँ। पेटी कितने का बनवाया वो? ये खुद बनाया है। खुद बनाया है? हाँ। कितना लगा ये? मतलब लकड़ी परोसी। अच्छा, ऐसी बना ली खुद जुगाड़ से? हाँ, इसको बना लियो? हाँ। अच्छा यार, 1500 का आपने पूरा ये श्रृंगार का बना लिया। हाँ, तो अभी क्या मतलब घर घर जाते हो? हाँ, जैसे ये है ना मोहल्ला पूरा। हाँ, ये मोहल्ला पूरा घूमेंगे। अच्छा, पूरा मोहल्ला घूमोगे? हाँ, ये पैदल, पूरा पैदल? पैदल। बाप रे, लगभग 4-5 बजे तक। 4-5 बजे? हाँ, जैसे ये अभी गोकुल नगर है। हाँ, तो गोकुल नगर, भरत नगर, लक्ष्मण नगर, राम नगर, ये पूरा घूमोगे? पूरा घूमेंगे शाम तक। और कितने बजे निकलते हो घर से? यही कोई 9-10 बजे करीब। 9-10 बजे? हाँ। और शाम तक पूरा घूमते हो? शाम तक घूमते हैं। तो क्या कुछ बोलते हो, क्या चिल्लाते हो क्या? हाँ, चिल्लाते ना। कैसे चिल्लाते हो? बाला फुल्ली लेके, कान नाक छा ले, ऐसे करके चिल्लाते हैं। पूरा चिल्लाते हो? जोर से चिल्लाते हो? हाँ, जोर से चिल्लाते हैं। पूरा एनर्जी चला जाता होगा? अब आदत हो गया भैया, कहाँ एनर्जी चाहेगा। तो आपको कितना साल हो गया करते? यही कोई 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। हाँ। अभी क्या उम्र है अभी आपकी? 25 साल। अच्छा, शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है। अच्छा, काफ़ी कम उम्र है। कितना पढ़े हो आप? 6वीं तक। फिर क्यों नहीं पढ़े? अब घर की स्थिति अनुसार पढ़ना भी देखना जरूरी रहता है। अब क्या है, छोटे भाई लोग पढ़ते हैं। अच्छा, छोटे भाई लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो उनके अनुसार। तो आपको लगता है कि पढ़ाई करना था आपको, ऐसा लगता है क्या? हाँ, वो तो अगर अच्छे घराने में होते ना, कम से कम 9वीं 10वीं तक तो पढ़ना ही चाहिए था लगभग। हाँ, लगभग तो पढ़ना ही चाहिए था। तो अभी ये बताओ कि इसमें डेली कितना सेल कर लेते हो, बेच लेते हो कितना इसमें? मतलब अब धंधे के ऊपर है, जैसे अभी जैसे कान नाक छेदाना वगैरह मिल गया। हाँ, जैसे 151 ऐसे जोड़ी बेचते हैं। हाँ,
तो उस हिसाब से 400-500 निकल जाता है। अच्छा, दिन के? दिन का। हाँ, अगर छेदाना अगर मिल जाए तो, और छेदाना वगैरह नहीं मिलेगा ना तो 200-300 तो ऐसे ही मिल जाएगा, बस 200-300 मिल जाएगा। हाँ, 200-300 फायदा, मतलब 400-500 का फायदा हो जाता है। हाँ, 400-500 हो जाता है डेली, मतलब फायदा डेली, मतलब नहीं, मतलब जैसे धंधा चला तो 400-500 पक्का है। अच्छा। और धंधा नहीं चला तो 200-300 तो आ ही जाता है। आ ही जाता तो है। क्या छेदने का कितना लेते हो आप? छेदने का जैसे देख देख के है। अच्छा, जैसे ये वाला है 75 वाला फुल्ली। हाँ। ये वाला 51 रुपए एक कान का। अच्छा। और ये वाला जो है ना, जो जिद्दी उद्दी करते हैं बच्चे लोग, जिनके में नजर लगता है, उनके में जैसे ये वाला 101 रुपया। अच्छा, छेदाने का। अच्छा, और ये कितना मार्जिन है इस काम में, मतलब छेदाने का? तो वो तो आप ही का कला है। तो मार्जिन कितना है, मतलब मार्जिन, मतलब जैसे ये सामान आप खरीदते हो फिर बेचते हो, जैसे खरीदते कितने का हो? जैसे हम जैसे आज जैसे कमाने निकले तो एक दिन ना पैसा, मतलब एक दिन जैसे घूमेंगे ना तो उस पैसे को रखेंगे। अच्छा। फिर उसके दूसरे दिन ना फिर घूमते घूमते फिर मतलब आमा पारा जाएंगे ना वो एक काल। हाँ। तो उस हिसाब से खरीद लेते हो? खरीदेंगे फिर गोल बाजार। कितने का माल है अभी? अभी अगर इनको छोड़ के ना अभी करेंगे ना। हाँ। तो 6-7 हज़ार का माल है। 6-7 हज़ार का माल है इतने से में? हाँ। बाप रे। और फिर ये कितने दिन में बेच लोगे पूरा? वैसी नहीं है, मतलब एक दिन बेचो, एक दिन भरो। अच्छा, एक दिन मतलब? हाँ, मतलब कुछ ना कुछ भरना पड़ता है। हाँ, वो भरते रहोगे तब तो मतलब सही बात है, रहेगा नहीं तो खाली रहेगा तो फिर तो उसमें। बाप रे, इतने में? और कंधा वंधा दर्द नहीं करता इतना उठा के? शुरू में बहुत करता था, जब शुरू में धंधा पकड़े थे ना। हाँ। तब हाथ पैर भी दर्द करता था एकदम। उसके बाद तो आदत हो गया। जॉब कभी नहीं किए? पहले किए थे पार्टी काम में। हाँ। और 3-4 साल ना यही चाइनीज रेस्टोरेंट टाइप में। हाँ। इस टाइप में किए थे। हाँ। तो अब जमा नहीं वैसी। अच्छा, अब वो जमता नहीं है। हाँ, क्या है अब मालिक का सुनो। हाँ। कुछ मतलब बोल भी देते हैं तो सुनना पड़ता है इस हिसाब से। हाँ। अपने हिसाब से खुद धंधा करो। बढ़िया है, मतलब आप अच्छा दिमाग लगाए। और कोई काम क्यों नहीं लिया आपने, यही वाला क्यों लिया? इससे पोसाता है हमको। अच्छा, रोजी पानी निकल जाता है 400-500 तक निकल भी जाता है, तो शाम तक घूमो फिर अपने घर में जाओ। हाँ, अपने परिवार के साथ रहो, वो अच्छा रहता है। पहले जब जॉब करते थे तो मेरे को नहीं लगता उसमें टाइम मिलता होगा उसमें, मतलब जैसे 10 बजे जाते थे ना। हाँ। तो कम से कम चाइनीज में 12-1 बजे रात तक आ जाते थे। और कितना सैलरी मिलता था? 300-350 डेली का। इसमें आप महीना कितना कमा ले रहे हो? महीना उतना अंदाजा नहीं लगा सकते भैया, तो भी खर्चा पानी निकल भी, इधर खर्चा पानी भी निकालना रहता है और उधर कमाना भी रहता है ना, उस हिसाब से तो 15,000 तो नहीं, उतना नहीं, तो नहीं हो सकता। नहीं हो पाता 12,000 तक, उतना भी नहीं हो सकता। 9-10 हज़ार हो जाता है। काफी का समझो ना। हाँ। तो 9-10 हज़ार मान के चलो। आप ये आप कैसे सोच रहे हो, कैसे बढ़ाओगे इस काम को? अभी इसको काम को बढ़ाने का भी सोच रहे होगे? नहीं नहीं नहीं, इसी काम में हमें फायदा मिलता है तो नहीं, मतलब और जैसे गाड़ी वाड़ी में भी सोच रहे होगे, कुछ गाड़ी ले लूँ बाद में? उस प्रकार तो अभी सोचा ही नहीं है, लेकिन कर सकते हो? कर सकते हो उस प्रकार, है ना? क्योंकि क्या है कि आमदनी बढ़ाना बहुत जरूरी है। हाँ। है ना, बच्चे होंगे फिर उसकी पढ़ाई भी देखना होगा। हाँ। है ना, लेकिन काफी मेहनत वाला काम है ये। हाँ। है ना। हाँ। अगर ये कोई बिजनेस ऐसा करना चाहता है तो उसके लिए अभी तो पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है ना? मुश्किल है एकदम, क्योंकि इस प्रकार का अगर पकड़ के घूमेंगे ना। हाँ। आधा घंटा अगर आप पकड़ के घूमोगे। हाँ। तो आप ही का कंधा दर्द करने लगेगा। हाँ। तो लोग तो दुकान में भी ये खरीद सकते हैं, आपसे क्यों खरीदते हैं ये सब? ग्राहक अच्छा, मतलब जैसे सारा दिन यहाँ हमारे पिताजी आते थे। हाँ। तो अब हम आते हैं। अच्छा, ग्राहक बना हुआ है ग्राहक? हाँ, पुराने पहचान के हैं। अच्छा, तो लोग लेते हैं। और उधारी उधारी भी होता है क्या इसमें? नहीं, उधारी नहीं कर सकते भैया, क्योंकि 10-5 का सामान में उधारी अगर करेंगे। हाँ। तो खाएंगे क्या? कैसे आप दिखाते हो ये बताओगे क्या इसको ना? जैसे कई जन खरीदते हैं। हाँ। तो इस टाइप का खोल के दिखाते हैं। हाँ। जैसे इस टाइप का, जैसे क्या चाहिए आपको, कान का टॉप, इयररिंग्स, मंगलसूत्र। या तो जैसे मेरे को ये चाहिए कान का, तो ऐसे खोल के आप? हाँ, ऐसे खोल के। अच्छा, दिखा सकते हैं ऐसे खोल ऐसे के। करके दिखा कि ये 10 रुपये वाले दीदी। अच्छा। या ऐसे करके। अच्छा। और जैसे ये मंगलसूत्र बेच दे रहे हैं, तो मंगलसूत्र जैसे है 70-80 रुपये वाला है, इसमें 10-5 मोल भाव करेंगे तो 10-5 कम करके बेच सकते हैं। कान उनका जैसे छेदाना वगैरह होगा तो बच्चे के हिसाब से आपको जैसे जमेगा 75 वाला, 101 वाला, जिसमें जितूदी करते हैं बच्चे लोग, जिनका कान का फोड़ा पंसी होता है, पक जाता है एकदम, लसिया जाता है, उनको अगर छिड़ाओगे ना उन पर शूट करता है ये।
पकने नहीं देता कानून को, उस हिसाब से आओगे ना तो ठीक, जिस हिसाब से आपको मतलब रेट पोसाएगा ना उस हिसाब से आप करवा सकते हो। अनिकेत वीके जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, ये मतलब ये बहुत मेहनत वाला काम है। हाँ। पूरा जुगाड़ में आपने 1500 में चालू कर लिया काम को, अच्छा है। मतलब इस टाइप का काम करना बहुत मुश्किल होता है कभी कभार, है ना, जो आप काम कर रहे हो, और अच्छा है। मतलब आप फ्यूचर भी देख रहे हो कि फ्यूचर कुछ अच्छा हो सकता है। आपको ना मैं एक सम्मान देना चाहूँगा नेवर गिव अप इंडिया और दर्शकों की तरफ से, एक रिस्पेक्ट है ना, और मैं एक क्लैप करना चाहूँगा, और एक सम्मान है ये, है ना। तो आज आपको कैसा लगा हमारे साथ वीडियो बना के? अच्छा लगा भैया, ये है कि मतलब कोई भी तो कम से कम कोई पूछ रहा है कम से कम कि गरीब किस हालत से कमा रहा है, किस हालत से उसका मजबूरी, मतलब कोई पहचान रहा है कि चलो एक बार पूछ लेते हैं गरीब आदमी को कि कैसी उसकी ज़िंदगी है, कि कैसा उसका मतलब रोज़गार है। तो इस हिसाब से आप कर रहे हो गरीबों के लिए, तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है। देखो ऐसा है कि मैं तो आपको पैसे से हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, वो अभी क्या है कि मैं भी अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं भी वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखो पैसा तो आप कमा ही रहे हो। हाँ। ना, लेकिन मैं आपको एक रिस्पेक्ट मैं चाहता हूँ कि आप और बड़ा काम करें। हाँ। क्योंकि मैं कुछ पैसे का हेल्प करके आपका आपका मतलब वो नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं बढ़ा सकता, है ना। हाँ। तो आपका बिजनेस आपको खुद बढ़ाना होगा दिमाग लगा के। हाँ। है ना, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आदमी को ना खुद ही आगे बढ़ना मेहनत करना पड़ता है। दूसरे के भरोसे अगर रहोगे, अगर आप इसे हेल्प कर रहे हो उस हिसाब से अच्छा है, अगर पैसा देके हेल्प करोगे तो वो हेल्प नहीं कहलाएगा। अब मैं क्या, मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ लोगों को, और अच्छा यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हो क्या, जो बहुत लोग बिजनेस कुछ करना चाहते हैं लाइफ में लेकिन कभी कभार हार मान जाते हैं या बहुत परेशानी आ जाता है, उस हिसाब से अगर हार मानोगे तो फिर जिंदगी थोड़ा चलेगा भैया, बताओ तो। हाँ। कोशिश तो करना ही रहेगा, जिंदगी भर तो कोशिश करोगे तभी तो पेट रोजी का निकलेगा, कमाएंगे खाएंगे। तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, और दोस्तों ऐसी लोगों से जब आपको मैं मिलवाता हूँ तो आपको जरूर मोटिवेशन मिलता होगा। देखते हैं 10 बजे निकलते हैं, 5-7 बजे घर जाते हैं, पैदल ही चलते जाते हैं, सिर्फ पैदल में, है ना, कोई गाड़ी नहीं, कोई साइकिल भी नहीं है, तो बहुत हार्ड है ये काम सच में। अगर मेरी बात कहो तो ये जो मैं लटकाया हूँ ना आपको, इसी से मेरे दर्द कंधे दर्द करने लग जाते हैं, थोड़ी देर बस लटकाता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ ये कितने किलो का होगा ये उसका अंदाज़ा नहीं, आप पकड़ कर देख सकते हैं, यहाँ से पकड़ कर देखो, अरे भारी है यार बहुत। हाँ। एक सेकंड एक पकड़ो तो इसको। हाँ, एक सेकंड मेरे को लटकाने दो तो। अरे बाप रे, एक सेकंड, अरे यार ये बहुत भारी है यार, ये तो मैं ये लटकाया हूँ, ये तो बहुत हल्का है, ये आपका तो यार। हाँ। बाप रे, मैं तो लग रहा 15 मिनट ही नहीं लटका पाऊँगा यार। हाँ। अरे इतना हैवी है यार। अच्छा लगा इनसे मिलके दोस्तों, और देख सकते हैं आप मेहनत में कमी मत करिए, आपको जो मिला है लाइफ में उससे आप आगे बढ़ने का सोचिए, कभी भी किसी भी चीज़ का बहाना मत बनाइए। आपका जो दिमाग मिला है, जो पढ़ाई आपकी है, उसी से आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, और कभी हार मत माने दोस्तों, ऐसे ही चलते रहो। और मेरा अगर वीडियो देखते हैं, सिर्फ वीडियो ही मत देखिए, कुछ करने का सोचिए, है ना, टाइम वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेवर गिव अप इंडिया, बाय गाइस, सी यू सून, थैंक यू सर, धन्यवाद।